नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। उपराज्यपाल ने कहा जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था एलजी प्रशासन के पास रहेगी। सुरक्षा बलों को राष्ट्र विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी आजादी। मनोज सिन्हा बोले सुरक्षा स्थिति पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेदों से आगे बढ़ना होगा। मुझे उम्मीद है एससीओ बैठक में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर दिया स्पष्टीकरण। कहा भाजपा के साथ गठबंधन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं, जो पार्टी भाजपा का साथ देगी वो जम्मू कश्मीर से होगी खत्म। गुगलधार कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर दो आतंकी मारे गए। सीमा पार से घुसपैठ करते वक्त सुरक्षा बलों ने बनाया निशाना। वहीं सेना की ओर से क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। इल्तिजा मुफ्ती ने उपराज्यपाल द्वारा 5 MLA नामांकित करने पर उठाए सवाल। कहा ऐसा करके कामकाज के नियमों में किया जा रहा बदलाव, ऐसे में आने वाली सरकार होगी एक टूथलेस टाइगर। एनआईए ने बारामूला सहित कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में मारे छापे। बारामूला में मौलवी इकबाल भट्ट के आवास पर की छानबीन। अभी तक कोई बरामदगी या फिर गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं। कठुआ में बनाया गया स्ट्रांग रूम 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में। तमाम प्रत्याशी के कार्यकर्ता इस पर निगरानी रख सकते हैं। स्ट्रांग रूम में स्थापित सीसीटीवी कैमरों से लाइव फीड प्रदान की जा रही है। मेडिकल कॉलोनी चैनपुरा कालाकोट के लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने अधिकारियों पर पानी की समस्या का समाधान न करने का लगाया आरोप। गुस्साए लोगों ने पंपिंग स्टेशन के दरवाजे पर जड़ा ताला। सनातन धर्म सभा द्वारा कटरा में भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। शोभा यात्रा में मां के 9 स्वरूपों की झांकी दिखाएगी। इस दौरान डुग्गर संस्कृति की झांकियां भी देखने को मिली। जम्मू श्रीनगर हाईवे शनिवार को दोनों तरफ से खुला। हाईवे के दोनों तरफ से LMB और HMB को छोड़ा जा रहा। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से यात्रा के दौरान जल्दबाजी ना करने की अपील की। डायरेक्टर केयर नॉर्थ द्वारा मेंटल हेल्थ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम किया गया शुरू। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही काउंसलिंग की स्किल। इसके तहत बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। ऐतिहासिक बसोली रामलीला में दूसरे दिन ऋषि मुनियों पर अत्याचार दिखाया गया। साथ ही कलाकारों ने भगवान राम के जन्म का भी किया मंचन। बड़ी संख्या में लोग रामलीला को देखने पहुंच रहे। पुंछ में पुलिस हेड कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत। मृतक की पहचान कश्मीर सिंह निवासी नौशहरा के रूप में हुई। कश्मीर सिंह DSP मुख्यालय में ड्राइवर के पद पर थे तैनात। बड़गाम में दूधपत्थरी रिजॉर्ट में सेल्फी लेते समय पर्यटक की मौत। मृतक की पहचान अब्दुल मलिक के रूप में हुई। वहीं घायल नसीमा खातून को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। कंगन में भालू के हमले में राजौरी का व्यक्ति घायल। घायल मंजूर अहमद खान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मंजूर अहमद पर चेरबान के वन क्षेत्र में भालू ने किया था हमला। फिलहाल टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुलडोजर मशीन करती है उसे आसान। बुलडोजर मशीन डीजल भी कम खाती है और एक घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुलडोज मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।